तो जो फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो तैयार हो जाओ। 5 से 6 कंपनी में रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ, बहुत अच्छा मौका है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज मैं कंप्लीट डिटेल देता हूँ, लेकिन वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है आपको, कई जगह कुछ करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो पहली रिक्रूटमेंट है वो निकल के आ रही है ITI लिमिटेड में, ये मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम 5 कंपनी में सब में देख लेना, वो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आपको अप्लाई करना रहता है। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको ऊपर ऊपर से कि क्या रिक्रूटमेंट है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देखो, ITI लिमिटेड में रिक्रूटमेंट निकल रही है, तो इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना है। लोकेशन कहाँ है, लोकेशन जम्मू में रखी गई है इसकी, और भी स्टेट मैं बताता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट इस इंजीनियर सिविल की जॉब रहेगी, 38 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 18, EWS 2, OBC 12, SC 1, ST 1, ठीक है। BTEC आपकी होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, 1 साल की ड्यूटी आपकी रहेगी, और आपकी सैलरी 22,000 इसमें रहने वाली है, ये बेसिक है। बाकी आपको और भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, लीव मिलेगी, अगर टफ लोकेशन में होता है तो अलाउंस मिलता है 7 से 8 हज़ार रुपया, वो अलग रहेगा। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना, ये हो गया ITI लिमिटेड में जो रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट जॉब देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जॉब है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताते जाता हूँ, जिसमें दिक्कत आएगी आपको अप्लाई करने में उसको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, बाकी इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट जो जॉब है NKG प्रिमस में ये निकल के आ रही है, ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्रेशर्स के भी लिए लाएंगे। UP में ये जॉब रहेगी, जूनियर इंजीनियर की है, साइट इंजीनियर की है, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब रहेगी। 2 से 30 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं 17 से, तो 11 बजे से 4 बजे तक का टाइम रहेगा, तो 20 तक ये इंटरव्यू चलने वाले हैं। लोकेशन आप देख रहे हो, दीपक तिवारी, ये UP का नोएडा में रहेगा इंटरव्यू आपका, वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि हर लोकेशन के लिए जॉब है, तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है NLC इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ये फ्रेशर्स के लिए रहेगी, 877 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको रजिस्ट्रेशन में, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो नोटिफिकेशन देखते हैं सीधा हम क्या है नोटिफिकेशन में, तो उसके बाद मैं आपको बताते जाता हूँ। तो ये खुल गई NLC लिमिटेड में, ये लिमिटेड कंपनी है और गवर्नमेंट इंटरप्राइज नवरत्ना कंपनी है, तो इसमें ट्रेनिंग मिलती है, तो काफ़ी आगे तक जाओगे आप। सिविल इंजीनियर्स के लिए कितनी पोस्टें हैं, 18 पोस्टें निकल के आ रही हैं, जो आपको सैलरी मिलेगी, मंथली स्टाइफन मिलेगा, वो 15,028 रुपये मिलेगा, 1 साल की इसकी ड्यूरेशन रहती है, बहुत अच्छा मौका रहता है इसमें। और फिर हम बात करते हैं डिप्लोमा में, सिविल के लिए 25 पोस्टें हैं। इस बार मैं देखा हूँ कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पोस्टें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसमें आपको मंथली स्टाइफन मिलेगा 12,524 रुपया, 1 साल का इसका रहने वाला है टेन्योर। तो इसमें और कुछ नहीं होता है, जो 2020 के पास आउट हैं 21 और 22 वो एलिजिबल होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें NATS की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हम NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे रजिस्ट्री हेयर पे क्लिक करना और यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना अपनी और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको हेल्प करता है उसमें रजिस्टर करने में। नहीं पता चलेगा कमेंट करना, वीडियो ले आएंगे। ये हो गए 3 जॉब्स, अभी और भी बहुत ज़्यादा है, वेट करो। देखो, रिक्रूटमेंट होगी ITI में, होगी NKG में, होगी NLC में, होगी अभी बची कहाँ, अभी हमारी बची है BSNL रिक्रूटमेंट, ये भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, इसमें भी फ्रेशर एलिजिबल हैं। 2 हमने एक्सपीरियंस वालों की बताई, 2 फ्रेशर की, अगली देखते हैं क्या रहती है। तो ये भी आपकी फ्रेशर्स के लिए रहेगी, इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारी नोटिफिकेशन खुल आएगी, तो ये आ गई हमारी नोटिफिकेशन, तो ये आपकी निकल के आ रही है भारत संचार निगम लिमिटेड में, कर्नाटका रहने वाली है, और इसमें जो डिग्री वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, 1 साल की उनकी ड्यूरेशन रहेगी, और इसमें आपको कितनी 39 पोस्टें हैं और 61 पोस्टें, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास भी, और टोटल 100 पोस्टें इसमें निकल के आ रही हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले NATS पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन। और एक चीज़ ध्यान रखना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ना आपका एग्जाम होता है, ना इंटरव्यू होती है, ना फीस देनी होती है, आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है। तो इसमें पूरा प्रोसेस भी बताया, और जिसको प्रोसेस नहीं पता चलेगा वो देख लेना। स्टेप 1 कैसा रहेगा, जो MHRD NATS या MHRD पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर एनरोल, ये सब करके फिर पूरा प्रोसेस बताया, एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, इस पर पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है उसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, वो दिक्कत आपको थोड़ी आ सकती है, बाकी ये पूरी क्लियर फॉर्म में यहाँ लिखी रहती है। नेक्स्ट जो जॉब है हम देख लेते हैं, NLC में हमने देख लिया, फिर BIS में ये है,
ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए जॉब रहेगी, तो इसमें अगर जॉब लगती है ये भी अच्छा है, और फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 100 पोस्टें हैं, और हमारी वेबसाइट पे डेली जॉब अपडेट आती है। देखो कितनी जॉब्स पड़ी हैं, ये तो मैं जो कल अपडेट की 5 जॉब्स फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए, ऐसे ही पीछे कम से कम 100 जॉब्स पड़ी होंगी। चलो कुछ एक्सपायर हो गई होंगी, उनकी लास्ट डेट हो चुकी होगी, लेकिन कुछ तो पड़ी होंगी जो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें 100 पोस्ट रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेगा, बीटेक आपकी होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ रहे हो सामने, ग्रेजुएट इनको चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, देखो पहले आप अप्लाई करोगे, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जब आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फिर आपको जहाँ तो प्रैक्टिकल असेसमेंट होगी, रिटन असेसमेंट होगी, टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट या इंटरव्यू, कुछ भी ये कर सकते हैं, इन पर डिपेंड है जिस हिसाब से अप्लाई किया जाएगा बच्चों के द्वारा। तो ये भी आप देख लीजिए। तो सबकी जो नोटिफिकेशन है, अप्लाई का लिंक है, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर NLC में भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो आपको करना क्या होता है, जैसे हमारी वेबसाइट पे आप पहुंचते हो, डायरेक्ट लिंक डाला होता है मैंने, तो यहाँ देखना गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों में से किसी को भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ जॉब्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ आप देखना 3-4 जॉब्स ऊपर रहती हैं हमेशा, ठीक है, ये 3-4 जॉब्स ऊपर रहेंगी, फिर आपको जॉब्स मिलेंगी नीचे। नीचे जैसे आप आओगे तो एक पूरे पैटर्न में वो रहती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे पूरे पैटर्न में वो रहेंगी, कोई भी जॉब होगी तो वो आप देख के जल्दी अप्लाई कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जो भी लेटेस्ट जॉब रहेगी ऊपर अपडेट आपको आता रहेगा। थैंक यू गाइस।